नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकोरमाइकोसिस रोग के 28,252 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 86% पीड़ित कोविड-19 के मरीज थे, जबकि 62.3% मामलों में मरीज मधुमेह से पीड़ित रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संबंधी उच्च स्तरीय मंत्रियों के समूह की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के सबसे अधिक 6,339 मामले सामने आए हैं और उसके बाद गुजरात में 5,886 मामले सामने आए। द डिस्कशन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ On the special dashboard that we had created last time, I had apprised about this to the GOM. We have from 28 states, some 28,252 cases till now, and out of this, 86%, that is 24,370 cases, are having a history of COVID. 62.3% cases, that's about 17,601, are having history of diabetes. We have the maximum number of cases from Maharashtra, this is about 6,329, followed by Gujarat, 5,486, and then of course MP, UP, Rajasthan, Haryana, Karnataka, Delhi and Andhra Pradesh. वहीं नीति आयोग के सदस्य ने सम्मेलन में देश की टीकाकरण की स्थिति, कोविड को लेकर बाल चिकित्सा की तैयारियों और संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के तरीके को लेकर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि कोविड टीकों की 23 करोड़ खुराक लगाने में भारत को 141 दिन लगे, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अमेरिका को इस स्तर पर पहुँचने में 134 दिन लगे। बता दें, पॉल ने कहा कि टीका दिए जाने की गति के लिहाज से भारत दुनिया के सबसे तेज देशों में से एक है। वैश्विक स्तर पर 88.7 करोड़ लोगों को कम से एक खुराक दी गई है और उनमें से 17.9 करोड़ भारत में हैं, जो वैश्विक संख्या का 20.2% हैं। उन्होंने कहा कि भारत कोविड के संदर्भ में बाल चिकित्सा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सावधानी महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन ने कहा, सुबह तक अलग अलग श्रेणियों में लोगों को टीके की 23,27,86,482 खुराकें दी गईं। 18 से 44 साल के वर्ग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2,86,18,514 लोगों को पहली खुराक दी गई है। उन्होंने कहा, आज की तारीख तक राज्यों के पास 1,04,00,000 से अधिक खुराकें अब भी उपलब्ध हैं। उन्होंने अन्य श्रेणियों की चर्चा करते हुए कहा कि 60 साल से ऊपर की श्रेणी में 6,06,75,796 लोगों और 45 से 59 साल के आयु वर्ग में 7,10,44,966 लोगों को पहली खुराक दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।